तो हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम क्लास सिक्स का साइंस का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे। प्रीवियस हमने वीडियो में पढ़ लिया था, प्रीवियस वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि मेजरमेंट मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन कैसे मेजर करते हैं। बताया था जैसे मैंने आपको, आप एक थ्रेड के विद द हेल्प ऑफ थ्रेड आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये कर्व लाइन है तो इसको आप ऐसे ना करके आप फर्स्ट यहाँ पे नोट लगाइए, गांठ लगाइए, फिर यहाँ से अब यहाँ तक मेज़र कर लो आप, फिर इस वाले से लेके इस वाले तक मेज़र करो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र कर लो आप, ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो आपकी जो रो मतलब आपकी जो थ्रेड मतलब कि जो आपके धागे होंगे वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अभी टोटल आपको पता चल जाएगा कि आपके आपने जो भी थ्रेड यूज़ किया, धागे यूज़ करें, वो यहाँ से लेके यहाँ तक किया है। तो आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर आपको एक अपना स्केल जो है, ज्योमेट्री स्केल है, उसको यहाँ पे रख के आप उसकी लेंथ नाप सकते हैं, सीधा रख के उसकी लेंथ आप नाप सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे रखा आपने स्केल, आपने अपनी थ्रेड यहाँ पर रखा, टोटल जितनी भी थ्रेड यूज़ हुई है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी थ्रेड आपकी यूज़ हुई है, ए से लेके बी तक जितनी भी थ्रेड आपकी यूज़ हुई है, ठीक है, उस थ्रेड को आप यहाँ मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ा था हमने, और हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे मूविंग थिंग्स अराउंड अस। तो देखिए, मूविंग थिंग अराउंड अस का मतलब वो सारी थिंग्स, वो सारी चीज़ें जो आपके आसपास मूव कर रही हैं। अब जैसे एक्टिविटी 5 में ये दिया हुआ है कि वो एक तो पहले टेबल ये देख रहा है, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड मोशन। इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट, वो थिंग्स जो क्या है आपके आसपास है, और जो क्या है रेस्ट में है, और जो क्या है मोशन में है। तो आपका जो घर है वो तो रेस्ट है, वो तो कहीं जा नहीं रहा चल के। आपकी टेबल जिस पर पढ़ाई करते हैं, जिस पर आप, ठीक है, आपकी क्लॉक वो भी रेस्ट में है, वो भी कहीं नहीं जा रही चल के। फ्लाइंग बर्ड्स ये मोशन कर रही है तो ये मोशन में होगा, ठीक है। हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो क्लॉक के हैंड्स होती है, जो ऐसे पेंडुलम होती है, ऐसे ऐसे हिलती रहती है, वो भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये क्या है, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, ओके। एक्टिविटी 5 में ये दिया था, फिश इन वाटर, हाँ बिल्कुल मूव करती है, बिल्कुल मूविंग बिल्कुल करती है। बटरफ्लाई मूव करती है, डॉग मूव करता है, काउ मूव करता है, योर हैंड मूव करता है, बेबी स्मॉल बेबी मूव करती है, बिल्कुल एक अपने ओरिजिनल प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है, एक जगह चल के दूसरी जगह जाती है, मूव कर रही है। लेकिन प्लांट जो है वो भी लिविंग, वो भी थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है, लेकिन वो मूव नहीं करता, ओके। तो ये इसमें था। और एक्टिविटी 6 में क्या है, एक्टिविटी 6 में आपको क्या करना है, स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ अ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कैप्ट अ लिटल शुगर ऑन इट। आपको एक पेपर लेना है, मान लीजिए ये आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका क्या है, पेपर है। इस पेपर पे आपने क्या किया, शुगर, चीनी डाल दी, चीनी के ड्रॉप्स डाल दिए, ठीक है। अब क्या करा, कुछ देर के लिए छोड़ दिया। तो जो एंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं शुगर से, तो चींटी क्या करेगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से चली चींटियाँ, देखो क्या लेके जा रही हैं, शुगर लेके जा रही हैं, ठीक है, क्या लेके जा रही हैं, शुगर लेके जा रही हैं। तो यहाँ से चलते ये यहाँ पे आ गए। तो इनका देखो मोशन क्या है, मोशन ऑफ एन एंट, मोशन क्या है, कर्व्ड, मोशन क्या है इनका, कर्व। और कभी भी एक कर्व लाइन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, थ्रेड मतलब धागा, ठीक है। जितनी धागे आपने अपनी गिट्टी में से धागा निकाला, यहाँ से आप यूज़ करते चले गए, आपने पहले क्या रखा, पहले यहाँ पे रखा, फिर आपने यहाँ पे रखा, फिर आपने उसके बाद यहाँ पे रखा, फिर आपने यहाँ पे रखा, अपने धागे को यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, और आप नापते चले गए। उसके बाद आपकी जो जितने भी धागा यूज़ हुआ, टोटल धागा मान लो आपका थ्रेड इतना यूज़ हुआ है, इतना, तो आपको क्या करना है, इसको सीधा कर देना है, इस धागे को सीधा करके रखना है, और यहाँ पे आपका जो ज्योमेट्री में जो स्केल है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका स्केल है 15 सेंटीमीटर का, उसे यूज़ करो आप, और इसके लेंथ को मेज़र कर लो कि टोटल कितना थ्रेड जो है वो यूज़ हुआ है इस कर्व मोशन को करने में, कि इस इन आंटों ने कितना मोशन करा, कितनी लेंथ में मोशन करा, कितने इन्होंने यहाँ से चलते चलते कितनी लेंथ मोशन कर लिया इन्होंने, कितनी दूरी तय कर ली, ठीक है, 15 सेंटीमीटर वो बता देगा वो उस स्केल से, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में यही है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, आगे हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के
मोशंस होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या, कौन सा मोशन होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है। अब रेक्टिलिनियर मोशन है तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? वो मोशन जो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो बिना मूव करे, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हो, दौड़ रहे हो या परेड कर रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। ये स्ट्रेट, ये कैसम एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, ये रेक्टिलिनियर मोशन में एक लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन के रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। दूसरी चीज़ ये देखिए, ये कौन सा मोशन है? ये सर्कुलर मोशन है। कौन सा मोशन है? ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये कौन सा मोशन है? आपका जी, आपके जो ये पंखे होते हैं उसके जो ब्लेड्स होते हैं, ये कौन सा मोशन करते हैं? ये सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है। जो सर्कल में मोशन कर रहे होते हैं, जो सर्कल में क्या करता है, आपकी जो वॉच होती है, घड़ियाँ होती है, ये होती है, ठीक है। तो ये भी किस में मूव करता है? ये भी सर्कल में, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलते चलते फिर ऐसे करते रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये क्या है? ये भी एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है। और ये भी आपका क्या है? एक सर्कुलर मोशन है, ओके। तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एक रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये फैन भी क्या है? एक सर्कुलर मोशन है, एक ऐसे 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 घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसके ब्लेड्स जो हैं वो भी क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सर्कल में इसके मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन, और एक और टाइप का होता है पीरियोडिक मोशन। देखिए ये जो पेंडुलम है, ये क्या है? पेंडुलम। अब देखिए दूसरा तीसरा टाइप क्या है कि पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं? देखिए पीरियोडिक मोशन वो होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, मान लीजिए आपकी वॉच है ये, ठीक है, या आपकी जो वॉच है, ये जो आपके इसका पेंडुलम है, वो एक पर्टिकुलर मोशन में ये रिपीट करता है। जब भी मोशन रिपीट करता है, तो पीरियोडिकली मोशन, जो पीरियोडिकली मोशन होता है, क्या करता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करता है? एक पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या करता है? अपने मोशन को रिपीट करता है, यहाँ से यहाँ तक, 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 ठीक है। जैसे ये आपका ये घंटी होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मोशन करता रहेगा, मोशन करता रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो पर्टिकुलर मोशन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, ओके। उसके बाद आपका और कौन सा हो गया? हाँ ये हो गया आपका। उसके बाद हाँ, समटाइम्स टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद एंड समटाइम्स दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मैंने आपको बता दिया बेसिकली क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपके बाद एग्जांपल बता दें पीरियोडिक मोशन का, बता दिया मैंने आपको। तो बेसिकली ये थे कुछ, और एक और था आपका रोलिंग मोशन। आप देख सकते हैं द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, तो रोटेटिंग एज वेल अ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड, एंड दस द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, एज वेल एज रोटेशनल मोशन। अब एक अलग नाम आ गया रोटेशनल मोशन। तो पहले हमने रेक्टिलिनियर पढ़ा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने रेक्टिलिनियर के बाद हमने कौन सा पढ़ा, सही बताइए? रेक्टिलिनियर पढ़ लिया। उसके बाद हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा आपका, हाँ, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आपका पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन पढ़ लिया हमने, और पीरियोडिक मोशन के बाद सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, रेक्टिलिनियर पढ़ लिया, पीरियोडिक पढ़ लिया, और लास्ट कौन सा था हमारा? लास्ट हमारा यहाँ पे हमने पढ़ा बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड एंड रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड। सो हमें पढ़ना है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन इज द फाइनल, मैंने रीड इसलिए किया था कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, पकड़ ले, अब वर्ड्स को देख के पकड़ ले कि हम नेक्स्ट किस मोशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन क्या होता है बेसिकली, कि जब अर्थ अपने कोई ऑब्जेक्ट जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, घूमता है, तो उसे रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है हमारा अर्थ। अर्थ क्या करता है? अपने ही एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है, ठीक है। अपने ही एक्सिस पे क्या करेगा? वो रोटेट करता है, तो उसे क्या हो गया? रोटेशनल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो हमने बेसिकली पढ़ लिया
सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, डिस्टेंस पढ़ लिया, मेजरमेंट पढ़ लिया, मोशन पढ़ लिया, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर क्या होता है, एसआई यूनिट चाहे वो मीटर हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो मिलीमीटर, चाहे वो किलोमीटर हो, चाहे वो मिलीमीटर हो, ठीक है, ऐसा यूनिट जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ लिया। बेसिकली इस चैप्टर में इतना ही था, ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आया होगा, जितनी जो आपका सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये आपका सारे कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन है आपके, ये सारे के सारे किसके मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे ये रोटेट करता रहेगा, मोशन को अपने बार बार रिपीट करता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बार बार रोटेट करता रहेगा, ठीक है, घूमता रहेगा उसी जगह पे एक फिक्स टाइम पे, ठीक है। तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर, जो रेक्टिलिनियर मोशन वो जो अपने स्ट्रेट लाइन में जाते हैं सीधा सीधा, ठीक है, वो रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं, कहीं मुड़ते नहीं है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो एक सर्कल में घूमते रहते हैं आपके, जैसे वॉच हो गई, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है, दिस इज अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, सो थैंक यू सो मच।